हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। बरसों से प्रतिदिन आपके लिए मैं मीठे मीठे बेर लेकर आती हूँ प्रभु। बरसों से खाइए। खाइए प्रभु, बहुत मीठे हैं, मैंने चक चक कर रखे हैं। इतने वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे माता कौशल्या अपने हाथ से खिला रही हो। श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे, तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुँचाने का मार्ग बताकर कहना कि वह सुग्रीव से मित्रता करके रावण पर अवश्य विजय पाएंगे और सीता सहित आनंद पूर्वक अयोध्या जाएंगे। ये भावे निश्चित है प्रभु। तपस्विनी शबरी जाको नाम गुरु मतंग कह कर गए तो ही मिलेंगे राम। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारे, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारे। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। मेरे राहा। नहीं नहीं महात्मा, कृपा करके इन फूलों को ना रौंदिए, ये मैंने अपने राम के लिए बिछाए हैं। अरे पगली, तू नित प्रति इस प्रकार मार्ग में फूल बिछाती है जैसे श्री राम आज और अभी आने वाले हैं।
ऐसा करते तुझे कितने वर्ष बीत गए, तेरे राम आए भी? अब तक नहीं आए, परंतु आएंगे, अवश्य आएंगे। मेरे गुरुदेव मतंग मुनि का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, इसीलिए मैं प्रतिदिन प्रतिपल उनके स्वागत के लिए तैयार रहती हूँ। अचानक किसी समय आ गए तो वो क्या कहेंगे? इस भीलनी को स्वागत करना भी नहीं आता, अतः आप दया करके मेरे इन फूलों से किंचित हटकर चले तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। इसे मत सताओ, चलो आओ हम किसी और मार्ग से चलते हैं, आओ। राह, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि भीलनी पागल हो गई हो। हो सकता है, परंतु ये भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। शबरी महातपस्विनी है और उसे सिद्धि प्राप्त है, परंतु उसमें सिद्धि का अहंकार लेश मात्र नहीं है। यही एक सच्चे भक्त की निशानी है। जी गुरुदेव। मेरे राम, आप फिर आ गए मेरे फूलों में। हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं, आप कृपया हमें इनकी कुटिया तक पहुंचा देंगी? माता शबरी के पास? लेकिन आप है कौन? मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। छठवती आपको पहचान नहीं पाई प्रभु, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। क्षमा कर देना प्रभु, मैं छठवती आपको पहचान नहीं पाई। हे दयानिधान, दयालु है आप, दयालु है, मुझे क्षमा कर देना प्रभु। मेरे प्रभु आइए, आइए मेरे प्रभु आइए। मैं आपके चरण पखारती हूँ। नहीं नहीं माता, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे स्नेह भरे अश्रुओं से मैं पहले ही पवित्र हो गया। प्रभु आपको भूख लगी होगी ना? हाँ। मैं फल लेकर आती हूँ, फल लेकर आती हूँ, अभी लाई।
प्रतिदिन आपके लिए मैं मीठे मीठे बेर लेकर आती हूँ प्रभु, बरसों से खाइए। खाइए प्रभु, बहुत मीठे हैं, मैंने चक चक कर रखे हैं। लक्ष्मण खाओ। वाह, अच्छे है ना, मीठे हैं। इनकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। इतने वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे माता कौशल्या अपने हाथ से खिला रही हो। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को वैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। ये सब मेरे परम गुरु महामुनि मतंग की शक्ति का प्रभाव है। उनके तपोबल के प्रभाव से इस मतंग मन में फूल कभी नहीं मुरझाते, फल सदैव ताजे रहते हैं। इस आश्रम के चारों ओर समस्त प्राणी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ देते हैं। परम गुरु जहां बैठते थे उनके चरणों में वन के सिंह और आश्रम की गाय बकरियां एक साथ पानी पीती थी। उनको परलोक सिधारे वर्षों बीत गए, परंतु जिस वेदी पर बैठकर वो यज्ञ किया करते थे उसमें अभी तक एक तेज एक प्रकाश की आभा छलकती रहती है। कितना पवित्र होगा वो स्थान, और कितनी भाग्यशाली हैं आप जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का पुण्य प्राप्त हुआ। उसी सेवा का पुण्य फल है जो आपके दर्शन हुए हैं। हे राम, साक्षात भगवान का दर्शन करके मेरे कई जन्मों के पुण्य फलीभूत हो गए हैं। जब आपके चित्रकूट पहुंचने का समाचार मिला, उन्हीं दिनों गुरुदेव आश्रम के समस्त मुनियों को लेकर दिव्य विमानों में बैठकर अपने धाम को चले गए। मुझ में भक्ति भाव की प्रधानता देखकर उन्होंने विशेष कृपा के कारण मुझे इसी कुटिया में रहने का आदेश देकर कहा कि एक दिन श्री राम लक्ष्मण के साथ इस आश्रम में आकर तुम्हारे अतिथि बनेंगे। उनके दर्शन मात्र से तुम अपनी भक्ति का चरम फल प्राप्त करोगे। इसके पश्चात तुम हमारे पास आ जाना। उन्हें हमारे आने का ज्ञान था? हाँ प्रभु, उन्होंने कहा था कि श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे। तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुंचाने का मार्ग बताकर कहना कि वह सुग्रीव से मित्रता करके रावण पर अवश्य विजय पाएंगे और सीता सहित आनंद पूर्वक अयोध्या जाएंगे। ये भावी निश्चित है प्रभु। आपसे दनु नाम के गंधर्व ने जो कुछ कहा है मैं उसका समर्थन करती हूँ। आपने ये समाचार सुनाकर जैसे अपने परम गुरु का आशीर्वाद मुझ तक पहुंचा दिया है। अब कृपा करके ये बताइए कि हम महाबली सुग्रीव तक कैसे पहुंचे। आप अनजान की बातें पूछते हैं प्रभु, तो बताती हूँ। यहाँ से आगे जाने पर आपको पंपासुर नाम का एक सुंदर सरोवर मिलेगा। उसके दक्षिण तट की ओर ऋषिमुख और मल्याद्री नाम के दो पर्वत शिखर दिखाई देंगे।
सुग्रीव अपने चार मंत्रियों सहित वहीं रहते हैं जिनमें हनुमान नाम का आपका एक चिर परिचित भक्त भी है। प्रभु उनके सहयोग से सुग्रीव से भेंट होने पर आपके द्वारा सुग्रीव का एक अविष्ट कार्य भी पूर्ण होगा। आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूं माता। अब यदि आप हम पर कृपा करें तो आपके परम पूजनीय गुरु जहां पर तपस्या करते रहे हैं उस पवित्र स्थान के भी दर्शन करा दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। अवश्य आप वो स्थान देखेंगे प्रभु, मेरे गुरु का स्थान देखने योग्य है। आइए वो स्थान दर्शन करने योग्य है। पधारिए पधारिए। आइए देखो लक्ष्मण, जब एक मनुष्य स्वार्थ की सीमा को लांघकर परमार्थ की भूमि में तपस्या करता है तो उसकी शक्ति में कितना तेज होता है। इन ऋषि ने हिंसा के प्रदेश में जो अहिंसा और धर्म की ज्योति जलाई थी उसका प्रकाश इतने वर्षों में भी क्षीण नहीं हुआ। महामुनि, आप जहां भी हों हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कर्तव्य और परमार्थ के पथ पर दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़े। माता, ऐसा लगता है जैसे आपने हमें अपने गुरु के साक्षात दर्शन करा दिए हैं। आपका धन्यवाद शब्दों में नहीं हो सकता। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा तो उससे पहले आपको मुझे देनी होगी राघवेंद्र, और उससे भी पहले अपनी भक्ति और उसका ज्ञान मुझे देना होगा। माता, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि भगवान के निकट जाति पाति ज्ञान धर्म कुल गुण और चतुराई का कोई मोल नहीं होता। वो तो केवल भक्ति के नाते को ही सच्चा नाता मानते हैं। फिर आप तो स्वयं परम सिद्ध और भक्ति के पराकाष्ठा हैं। मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूं? नहीं प्रभु, मेरे गुरुजी का यही आदेश था कि मैं आपके श्री चरणों की सेवा से भक्ति और आपके मुखारविंद से भक्ति का ज्ञान पाऊं। हे राम, मुझे नीच कुल में उत्पन्न यह शरीर छोड़ने की आज्ञा देने से पहले मुझे भक्ति का ज्ञान प्रदान करो प्रभु। माता, मैंने गुरुजनों से जो नवदा भक्ति की महिमा सुनी है वही अपने हृदय से कहता हूं, आप भी हृदय से ही धारण कीजिए। नवधा भगत कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान, चौथी भगत प्रभु गुनगन, करई कपट तज गान। मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तुम सम हरि भय नक देखा, हरि ते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन चल ही ना, हरि भरोस नवधा भगत सपरी कह
सादर सबर शीस धरी आपने दीन जानकर जो इस सेविका पर कृपा की है वह सदा बनाए रखना, ऐसी दया करना कि मेरा चित इन श्री चरणों से कभी विमुख न हो। अब मुझे अपने गुरुदेव के पास जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। गुरुदेव के पास जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। माता, आपका मार्ग भक्ति की ज्योति से प्रकाशमान हो।